नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी बात। मैं हूं राहुल कमल। क्रिकेट की दुनिया ने इतने बुरे दिन कभी नहीं देखे। स्पॉट फिक्सिंग और मैच फिक्सिंग कांड के बाद फैंस का विश्वास अपने पसंदीदा खेल से टूट रहा है। क्रिकेट की दुनिया को अब साफ कैसे किया जाए, फैंस का विश्वास वापस कैसे लाया जाए, इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं बीजेपी के सांसद पूर्व टेस्ट क्रिकेटर कीर्ति आजाद। स्वागत है आपका। धन्यवाद। ठीक एक साल पहले हमने आपका एक इंटरव्यू किया था। उस इंटरव्यू में आपने कहा था कि भारत में जो लोग क्रिकेट को चलाते हैं वो सोमाली पायरेट्स की तरह। उसके बाद बीसीसीआई वाले बहुत नाखुश हुए थे, आपसे भी हमसे भी, लेकिन लगता है कि 365 दिन बाद आपने जो कहा था वो सही निकल। मेरे ख्याल से जब कोई बच्चा इम्तिहान में जाता है तो वह रिविजन करता है, तो मुझे रिविजन करने का मौका मिल रहा है, तो मैं वही बातें करूंगा जो पिछली बार कही थी कि सोमालियन पायरेट्स हैं। जिस प्रकार से खेल को चलाया जा रहा है, जिस प्रकार से निंदा हो रही है, गंदगी आ गई है, आप हर एक चीज को दरी के नीचे डाल के गंदगी नहीं डाल सकते। डालते रहेंगे तो बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा माउंटेन जैसा हो जाता है, पहाड़ जैसा। दुनिया देख सकती है, सभी देख रहे हैं। जिस चीज को मैंने पिछली बार कहा था, धरना भी दिया था और उसके बाद आप आए थे, और संभवतः आज ही के दिन के आसपास की थी जब हमने ये इंटरव्यू किया था। आज उसी ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी पे मैं फिर प्रश्न उठाता हूं, क्या हुआ उसका? अभी भी कुछ हुआ नहीं है। अगर आप देखें तो जिस तरीके से बीसीसीआई ने कमेटियां बनाई हैं इस मामले की जांच करने के लिए, क्या आपको लगता है कि वो किसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे? क्योंकि कमेटी को वही लोग चला रहे हैं जो पूरे घालमेल में इन्वॉल्व। मैं केवल एक उदाहरण देता हूं, कमेटी जो बनाई गई है कि 2009 में साउथ अफ्रीका में हुआ था, उसके बाद बोर्ड की कमेटी बनी। चार साल से वो कमेटी की जो फाइल है, वो रिपोर्ट की फाइल है, या बनी है या नहीं बनी है, वो धूल फांक रही है। लेकिन सरकार ने, आपको याद होगा, यशवंत सिन्हा कमेटी रिपोर्ट ने 2 अगस्त 2010 में रिपोर्ट दी थी, जिसमें कहा था कि आईपीएल के अंदर जितना गोरख धंधा हुआ है, जिसमें फेमा वायलेशन हुआ है, जिसमें एफडीआई के वायलेशन हुए हैं, आरबीआई के वायलेशन हुए हैं, जिसमें 1008 करोड़ रुपया ले गया देश से बाहर, तो जो सरकारी मुलाजिम थे उन सबों को तो सजा मिल गई, लेकिन बीसीसीआई में वो लोग आज भी बैठे हुए हैं और आज तक वो रिपोर्ट सामने नहीं आई है। क्यों नहीं आई वो रिपोर्ट? तो मैं कैसे ये मान लूं कि आगे आने वाले समय में भी रिपोर्ट आएगी? नहीं, क्योंकि हकीकत यह है कि मैच फिक्सिंग न केवल मैदान पे हो रही है बल्कि मैदान के बाहर भी, क्योंकि बीजेपी, कांग्रेस सारे लीडर्स मिलकर चला रहे हैं। क्योंकि नेता पॉलिटिक्स करते थे पहले पॉलिटिक्स के अखाड़े में, अब वही पॉलिटिक्स क्रिकेट के मैदान पे हो रही है, इस वजह से सारा खलमेल है। अगर पुलिस चोर को न पकड़े तो वो पुलिस किस काम का, वो ऑफिसर किस काम का, वो ऑफिशियल बीसीसीआई का किस काम का, वो अधिकारी किस काम का, जिसको मालूम हो कि ये गड़बड़ हो रहा है उसके बावजूद भी वो उसको ना पकड़े, जिसको पता है कि एक रिपोर्ट आ गई है पार्लियामेंट की और उसने कह दिया कि सारी गड़बड़ियां हुई हैं और आप उन गड़बड़ियां को उजागर नहीं कर रहे हो, तो इसमें जिम्मेवारी किसकी है? वैसे ही पुलिस वाले की जो चोर नहीं पकड़ सकता, तो फिर इनकी कॉम्पिटेंस के ऊपर भी तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। सकता नहीं या पकड़ना चाहता नहीं, क्योंकि पर्स की जब डिसिप्लिन कमेटी की बात की जाए, आप ही के पार्टी के सांसद हैं, वरिष्ठ नेता अरुण जेटली, वही तो चला रहे हैं डिसिप्लिनरी कमेटी। डिसिप्लिनरी कमेटी भी है, एथिक्स कमेटी भी है, मैंने उनको देखा था पिछले कुछ दिनों पहले कि वो राजीव शुक्ला जी के साथ जा रहे थे कि कड़ा कानून बने। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि उस लीगल कमेटी ने क्या अपने मेमोरेंडम एसोसिएशन में कुछ ऐसा डाला है? क्यों नहीं अब तक डाला है? यह बात तो मैंने पिछले साल ही कही थी और उसके पहले भी हो रही थी। आपने देखा कैसे महिलाओं का मॉलेस्टेशन हो रहा था, दो लड़के ड्रग्स लेते हुए पकड़े गए, उनका पॉजिटिव भी आ गया रिपोर्ट, उसके अलावा मैच फिक्सिंग की बातें आ रही थी, रेप पार्टी हो रही थी। दशक से आ रही है, ये कानून तो बहुत पहले बनना चाहिए था। अब एकाएक जग गए सब, कानून मंत्री भी, स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी। नहीं, पार्टीज तो पार्टीज में जाने की किसी को कोई मनाही नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ डेढ़ दशक से हो रही है। नहीं, डेढ़ दशक से तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन 99 में मुझे ध्यान है। मैं यही प्रश्न पूछना चाहता हूं कि दोहरी नीति क्यों है, कि जब 99 में रिपोर्ट तो चली रही थी सीबीआई की, आपने खिलाड़ियों को फॉर लाइफ बैन कर दिया, उसके बाद अभी हुआ तो आपने खिलाड़ियों को सस्पेंड कर दिया, तब उतने राजनीतिक नहीं थे तो आपने बैन कर दिया, जिसका मैसेज अच्छा गया। 2008 तक में, 2000 से लेकर 2008 तक में कोई गड़बड़ी नहीं हुई, आईपीएल चालू हुई, राजनीतिक लोग तब तक आ चुके थे, जहां गुड़ होता है वह मक्खी पहुंचती है, और उसके बाद में आप देखिए किस प्रकार से कार्रवाई होती रही। और क्या यह डिसिप्लिन सिर्फ खिलाड़ियों पर होता है? यह डिसिप्लिन क्या ऑफिसर्स के ऊपर नहीं होगा या ऑफिशियल्स के ऊपर नहीं होगा जो बीसीसीआई के हैं? तो मैं यह एक बड़ा प्रश्न खड़ा करना चाहता हूं। तभी मेरी बात बार बार घूम करके आती है कि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, किसको ट्रांसपेरेंसी रखनी है? जो ऑफिशियल्स चला रहे हैं वो रखेंगे ना, अकाउंट्स कौन बनाएगा हर एक एसोसिएशन की? जो वहां के ऑफिशियल्स हैं वही बनाएंगे ना, और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी ये सब करने की? ऑफिशियल्स की ना। क्रिकेटर तो बिक जाता है, अपनी जमीर को बेच देता है 50 लाख रुपए के लिए, उसके फिर आगे जो लोग हैं 5 करोड़, 50 करोड़, 500 करोड़, 5000 करोड़ कमाते हैं, लेकिन जो यह गोरख धंधा हो रहा है आंखों के सामने, लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं, डॉक्टर जब तक मर्ज को जानेगा नहीं, और मर्ज को जानता हो
और उसके बाद इलाज नहीं करता है तो वह एक छोटी सी फुंसी भी कैंसर बन जाता है और वही परिस्थिति आज हुई पड़ी है। तो समाधान क्या है, क्या आपके हिसाब से जितने भी नेता हैं उनको कहना चाहिए क्रिकेट को अलविदा कीजिए, केवल और केवल प्रोफेशनल्स और पूर्व क्रिकेटर ही क्रिकेट को चलाएं? राहुल, एक चीज तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि विश्व भर में आप कहीं पर भी चले जाएंगे तो जो जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट ग्रुप वाले लोग होते हैं वो प्रोफेशनली हर एक खेल को चलाते हैं। उसके अंदर एक प्रोफेशनल आदमी बैठा हुआ होता है जिसका काम होता है देखना एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, और उसके अलावा टोटल क्रिकेटिंग सेटअप में कोई इंटरफेरेंस नहीं होता एसोसिएशन का और क्रिकेटर्स को खड़ा कर दिया जाता है। लेकिन यह हिंदुस्तानी एक ऐसी जगह है कि सारा खेल प्रोफेशनल मैनेजमेंट ग्रुप से नहीं चलता है। आज इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की मान्यता रद्द कर दी गई है, बीसीसीआई की भी इस परिस्थिति को देखते हुए हो जानी चाहिए क्योंकि हमारी भी स्थिति इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जैसी है, लेकिन नहीं हो पाती क्योंकि 80% पैसा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को वह जाता हिंदुस्तान से है, इसलिए वो कुछ करते हुए डरते हैं। वो अंग्रेजी में कहावत है टूथलेस टाइगर है आईसीसी, डरते हैं वो तो बीसीसीआई से। बीसीसीआई के जितना पैसा है इतना दमखम है, कौन पंगा ले बीसीसीआई से? भाई नाम तो उसका नरसिम्हा है लेकिन बिना दांत का और बिना नाखून का है, तो बेचारा क्या किसी को मारेगा? वो कहने के लिए आईसीसी है, उसको T20 वर्ल्ड कप करने को अपना मिल जाता है, एक वर्ल्ड कप करने को मिल जाता है, उसी में खुश रहता है, एक चैंपियंस ट्रॉफी करा लेगा, बाकी तो कमाई जितनी भी होनी है उसकी या जो भी होगी वो तो यहीं से होगी, इसलिए वो कुछ नहीं बोलता। क्या आपको लगता है कि एन श्रीनिवासन को फौरन इस्तीफा देना चाहिए? कितनों के इस्तीफे लोगे राहुल? सबसे पहली बात तो उन्होंने कहा कि इसका कुछ लेना देना नहीं है। मैंने आपके चैनल पर देखा जिस पे टीम ओनर लिखा हुआ है और 2008 का ललित मोदी ने उसको साइन किया हुआ है और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर 0004 है और टीम ओनर लिखा है, तो आप कैसे एक्सेप्ट ड्रेसिंग रूम सब जगह वो जा सकते हैं? तो अब आप मुझे बताओ कि इंसान अब कैसे कह सकता है? आपके वाले पे मैंने देखा, हेडलाइंस पे भी देखा और आपके आज तक पे भी देखा कि वही दिखा रहे थे आप जो ऑल एरिया पास होता है, एक्सेप्ट ड्रेसिंग रूम दिखाया ना आपने? नहीं, वो तो ऑक्शन में बैठे थे, डगआउट में बैठे हैं लगातार। तो फिर कैसे झूठ बोल रहे हैं? तो श्रीनिवासन को ये बात नहीं करनी चाहिए ना। मैं उनकी इज्जत करता हूं, कोई व्यक्तिगत मेरी उनसे बात नहीं है, और हम श्रीनिवासन पे जा रहे हैं। श्रीनिवासन के अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पीछे से खेलते हैं, महाभारत तो लड़े थे कौरव और पांडव और उनके साथ किए थे, बट पीछे तो शकुनी मामा भी बैठे हुए थे ना जिन्होंने इस लड़ाई करवाने में बहुत बड़ा हाथ किया था क्योंकि उनको अपना अपना उल्लू सीधा करना था कि मेरी बहन की शादी एक व्यक्ति सूरदास के साथ क्यों कर दी गई, ये उनके मन में बहुत बड़ी थी इसलिए उन्हें लड़वा दिया सबको। तो ऐसे ही लोग हैं कुछ बैठे हुए जो लड़वाने में लगे हुए हैं, जिनका काम ये है जहां पर लेना चाहिए वहां पर वह लेते नहीं है, निर्णय जो लेने चाहिए डिसीजन सख्ती से लेने चाहिए वो लेते नहीं है और उसके बाद बाकी लोग का काम चलता रहता है। आपको लगता है कि चेन्नई सुपर किंग्स को बैन कर देना चाहिए, डिसबैंड कर देना चाहिए? क्योंकि कानून आईपीएल का ही बीसीसीआई का ये कहता है कि अगर कोई भी टीम ओनर करेक्ट किसी भी गलत गतिविधि में पकड़ा जाता है तो वो टीम बैन हो जाती है। करेक्ट, बैन हो जानी चाहिए। एग्रीड, अकॉर्डिंग टू द रूल्स होनी चाहिए। नहीं, पर लोग कहेंगे कि खिलाड़ियों की क्या गलती है, अगर ओनर ने कुछ किया तो खिलाड़ी उसको क्यों भुगत? तो फिर उस समय जैसे मैं कानून बन रहे थे देखना चाहिए ना, आपको ये कह दे कि साहब मुझे तो मालूम नहीं था कि मैं अगर किसी का मर्डर करूंगा तो मुझे दफा मेरे ऊपर दफा 302 लगेगी और मुझे फांसी मिलेगी या सजाए मौत मिलेगी, ये मुझे मालूम नहीं था सर तो मुझे माफ कर दीजिए, तो ये तो वही वाली बात हो गई। क्या आपको लगता है कि धोनी को एक स्टैंड लेना चाहिए ये कहते हुए कि चूंकि टीम का मालिक पकड़ा गया है बेटिंग में, मैं चेन्नई इंडिया सीमेंट से चेन्नई सुपर किंग्स से अब संबंध नहीं रखना चाहता और मैं नहीं खेलूंगा फाइनल, मैं इस टीम में नहीं रहना चाहता? यह तो आपको धोनी को पूछना पड़ेगा कि उसका क्या उसका आप उसका उसका दिल क्या कहता है। मैं उसकी जगह होता तो मैं कहता मैं नहीं खेलूंगा, नहीं चाहिए मुझे पैसे, जितने कमाने थे मैं कमा चुका हूं, मुझे नहीं करना, मैं ये नहीं कर सकता, मुझे माफ कीजिए और इसलिए मैं ये मैच नहीं खेलूंगा। नहीं, क्योंकि धोनी ये भी कह सकते हैं कि मेरी कमर्शियल कमिटमेंट है, मेरी कमिटमेंट है, मैं तो कमिट कर चुका हूं कि मैं मैच खेलूंगा। क्या आपको लगता है जमीर की उनको बात सुननी चाहिए? क्या कमर्शियली उनको इस पर पैसा मिलेगा राहुल? मुझे आप ये बताएं, कानून लगेंगे ना, अभी तो देखना है बीसीसीआई क्या करती है, आईपीएल की क्या सब कमेटी क्या करती है, देखने की तो बात अब यह है कि कानून के अंतर्गत क्या उस टीम को खेलना चाहिए, यह सबसे बड़ा निर्णय होगा जो आईपीएल को लेना होगा। और इस समय काम में आएंगे गवर्निंग काउंसिल के अलीबाबा और उसके साथी लोग कि भाई क्या कहेंगे वो, कि वो क्या कहना चाहते हैं कि भाई इसके अंदर क्या है। अब ये तो सीधी उंगली उन पर उठ रही है ना कि आईपीएल के कानून के अंतर्गत करोगे या नहीं करोगे, तो किसी क्या धोनी से पूछना और क्या मुझसे पूछना। सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री, नवजोत सिंह सिद्धू, क्रिकेट की दुनिया के बड़े नाम, लेकिन इस वक्त अगर उनको सुनो, उनको देखो, उनका लिखा पढ़ो तो लगता ही नहीं कि उन्हें कोई चिंता हो रही है। क्रिकेट की दुनिया में इतना बड़ा स्कैंडल है और वो सिर्फ और सिर्फ बाकी बेतुकी बातें कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि बीसीसीआई ने पैसों के तहत इन सबको खामोश कर दिया? नहीं, ये तो इनका अधिकार है पैसे का, जो बीसीसीआई कमा रही है तो खिलाड़ियों के कारण से कमा रही है ना, ये कोई अपने आप थोड़ा ना कमा रही है जो कह रहे हैं कि हमने कमा लिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हम ब्रह्मास्मि।
उसके कारण थोड़ा ना कर रहे हैं। खेल एक लोकप्रिय खेल है और तभी आपके पास बड़े बड़े कॉर्पोरेट आते हैं, आते हैं, पैसे लगाते हैं। श्रीनिवासन को डिफेंड कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सन इन लॉ से श्रीनिवासन का क्या रिश्ता, इतने बड़े कद के खिलाड़ी, इतना बड़ा नाम, और इस तरह की बात जमती नहीं है। सुनील भाई हमारे बड़े आदरणीय है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ ओपनिंग बल्लेबाज रहे हैं, और उनकी टिप्पणी है, आप कृपया उनसे पूछें। लेकिन मुझे अवश्य आश्चर्य होता है इस विषय पर जब मैं ये देखता हूं कि वो किसी को बचाने की कोशिश करते हैं। आपको लगता है कि वो बचाने की कोशिश करें, क्योंकि फैंस को लगता है कि इतना पैसा इनकी झोली में डाल दिया गया है कि बीसीसीआई ने उन्हें खामोश कर दिया ताऊ में। नहीं, क्यों, इस पे क्या आपको कहने का मतलब है कि सुनील गावस्कर को अगर 1 करोड़ मिलते हैं, मैं तो समझता हूं उनको 5 करोड़ मिलने चाहिए। रवि शास्त्री को अगर 1 करोड़ मिलता है तो उसको 4 करोड़ मिलने चाहिए। हकीकत है, उसको बयां करने से डरिए मत, जो कहना है वो कहिए, ये नहीं कि क्योंकि आपको पैसा मिला उसके बाद आप कुछ कहीं ना। ऐसा है राहुल, मैं बताने के आपको बताता हूं कि जब हम लोग खेलने जाते तो एक कॉन्ट्रैक्ट होता था हमारा। कॉन्ट्रैक्ट ये होता था कि सीरीज खत्म होने के 1 महीने बाद तक आप कुछ भी अपने टूर के बारे में बात नहीं करेंगे, और उस टूर के उस के कारण से, उस कॉन्ट्रैक्ट के अनुबंधित होने के कारण से ये उस विषय पर बात नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मुझे ये पूरा विश्वास है कि अंदर ही अंदर अपने दिल में इनमें वो भड़ास आ रही होगी, और वक्त आने पर ये बात जरूर करेंगे जैसे इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा। अरुण जेटली का ये मानना है कीर्ति जी कि आप उनके खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं, कि आप लगातार बयान देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं खट्टे अंगूरों का केस है। उनका ये मानना है कि चूंकि आप एकदम हाशिए पे हैं, आपको कोई बीसीसीआई से पैसा मिल नहीं रहा, इस वजह से आपके दिल में जो आता है आप बोल देते हैं, और आप एकदम उनके पीछे पड़ रहे हैं हाथ धो के। अब देखिए, अरुण जेटली को आप लेकर के आए, बेचारे को क्यों ले आए? नहीं, वो लगता है वाकई वो बेचारा बहुत ही, उनकी पार्टी से आपके वो वरिष्ठ नेता है, वो बहुत ही बेचारा सीधा साधा आदमी है, बहुत सीधा सही बोलिए जो आप कैमरे के बाद भी बोलेंगे, सीधी बात हो रही है। हाँ, सीधी बात हो रही है तो आप समझ ही सकते हैं, बहुत ही सीधे साधे आदमी है। उनको मेरा फ्रस्ट्रेशन दिखाई देता है तो ये बेचारा सीधा आदमी देख सकता है। मैं तो केवल एक बात को उठा रहा हूं और सदैव उठाता रहा हूं, और यह झंझट कोई आज से तो नहीं, 1960 से चल रहा है, क्योंकि आपने अरुण जेटली जी का आपने ही नाम लिया तो मैं उनके आदर में बताता हूं कि 1960 में मैं 1 साल का था, वो शायद उस समय स्कूल वूल में रहे होंगे। 1980 में जब मैं विश्व कप जीत करके आया तो कहीं वकालत करते होंगे। मैं 93 में MLA बनकर आया तो वो शायद 99 में MP बने, और उसके बाद वह आए और उन्होंने कहा कि भाई मुझे DDCA का प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं, क्या कहना है। तो उनको हमने, बिशन सिंह बेदी, हमने, मदन लाल थे, सुरेंद्र खन्ना थे, मनिंदर सिंह थे, सबने मिलकर के कहा कि हम लोग आपके साथ में, आपकी मदद करेंगे, आप आगे बढ़िए। हालांकि उनके पास प्रॉक्सियां थी, उनको क्रिकेटरों का समर्थन चाहिए था, क्रिकेटर पूरे विरोध में थे DDCA के। उन्होंने हमें यह प्रॉमिस किया कि मैं क्रिकेटर्स के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा, और उसके बाद आज भी वही हो रहा है। निभाया नहीं उन्होंने प्रॉमिस, नहीं निभाया। आप देखिए ना, आज सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिस की तरफ से उनके खिलाफ में वहां पर वो भी चला, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिस जो है आपका SFIO ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, वहां पर जांच चली, जांच की रिपोर्ट तैयार हो गई है। मिनिस्टर ने चिट्ठी मुझे लिख करके भेजी है और कहा है कि बहुत बड़ा है, मोटा है और वॉल्यूमिनस है, और उसके अंदर एक्शनेबल पॉइंट्स आपके साथ बैठ के डिस्कस किए जाएंगे एंड एज पर लॉ उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज हैं उन्होंने इनके 3 ऑफिसर्स के ऊपर 50,000 रुपए के पर्सनल वो लगा दिए हैं, जुर्माने लगाए हुए हैं, और 1-1 लाख रुपए DDCA की तरफ से दिया जाएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ मैल एडमिनिस्ट्रेशन, नॉट फॉलोइंग द रूल्स ऑफ द लैंड एज फार एज द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इज कंसर्न। तो ये सारी चीजें तो हुई। तो मुझे एक चीज बताइए, जहां एक तरफ सवाल है श्रीनिवासन के इस्तीफे का, दूसरी तरफ सवाल ये भी है कि राजीव शुक्ला और अरुण जेटली और वो तमाम लोग जो कि गवर्निंग काउंसिल में थे, जो IPL को चला रहे थे, क्या आपको लगता है कि नैतिक तौर पर जिम्मेदारी लेते हुए उन्हें भी अपना इस्तीफा देना चाहिए? कितनों के इस्तीफे? नहीं, बताइए सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, मैं अभी बताता हूं ना। एक तो ललित मोदी को भगा दिया कि उसने गड़बड़ी की, कुछ बदला नहीं, सबने नजला उसके ऊपर फेंक दिया, कुछ नहीं बदला। उसके साथ में जो 15 लोग अलीबाबा के साथ में थे, वो लोग कहते रहे हमें मालूम ही नहीं है। क्या भाई तुम अंधे थे, अनपढ़ हो, लिखे हुए लिखे पढ़े नहीं हो, क्या तुम मंत्री नहीं हो, सेंटर में मंत्री नहीं हो? तो यहां पर NDA तो लड़कर के UPA से और अपोजिशन लड़कर के पवन कुमार बंसल से तो इस्तीफा ले सकती है, लेकिन यहां आप किसी के इस्तीफे नहीं ले सकते। किसके इस्तीफा लोगे? अगर श्रीनिवासन कहता मैं इस्तीफा नहीं देता, क्या ले लोगे आप? आपको इंपीच करना पड़ेगा, आपको 31 में से 24 लोग चाहिए इंपीच करने के लिए। श्रीनिवासन का इतना क्लाउट है कि वो 24 लोग तुम मिल ही नहीं सकते, 15 नहीं मिलेंगे 31 में से, तो इंपीच क्या करेंगे? तो हटाएंगे कैसे अगर वो नहीं हटेगा? तो यह सारी चीजें हैं, दुनिया जानती है। तो ये केवल तो नूरा कुश्ती करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करता है। नहीं। और अगर आप लेंगे इस्तीफा, मान लीजिए आपने इस्तीफा ले लिया, उसके बाद कौन आएगा? एक कौन बढ़ेगा करोड़पति आता है प्रोग्राम, देखा है ना आपने? उसमें ऑप्शन होता है ABCD, उसमें एक ऑप्शन होना चाहिए ई, जहां तक BCCI के प्रेसिडेंट या IPL के प्रेसिडेंट बनने की बात है। नन ऑफ दिस। आप इसको बनाएंगे? मैं इनमें बहुत सारे लोग हैं,
बहुत सारे लोग हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, अच्छे हैं, ऑनेस्ट हैं, क्रिकेटर्स की सुनते हैं, क्रिकेट की बात करते हैं। मैं उनका नाम आपके यहाँ ले लूंगा, कहीं उनके पीछे इनके पीछे कोई पड़ जाएगा। मैं कॉम्पिटेंट एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हूं, आई एम नॉट अ कॉम्पिटेंट एडमिनिस्ट्रेटर। आई कैन बी अ गुड सीईओ और वॉट एवर टू लुक इन टू द अफेयर्स ऑफ क्रिकेट, बट आई कैन नॉट बी अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। कितने पॉलिटिशियन है जो कह देंगे इनमें से कोई कॉम्पिटेंट नहीं है, लेकिन इसमें दो चार बहुत अच्छे लोग हैं। मैं उनका नाम लूंगा, मुझे डर लगता है कि कहीं उन लोगों के साथ गड़बड़ ना हो। शशांक मनोहर इज अ नाइस, वेरी नाइस मैन। आपके सामने संजय जगदाले हैं, क्रिकेट खेले हैं, क्रिकेट के बारे में आप कभी उससे बैठ करके बात कर लीजिए, आपको ऐसी ऐसी कहानियां बताएगा, आज से नहीं पुरानी से। ही इज एन एविड रीडर, अ ग्रेट फॉलोअर, ही लव्स द गेम। मैंने एक बिशन पाजी को देखा है, बिशन सिंह बेदी को, दूसरा मैंने संजय जगदाले को देखा है। दीज आर पीपल हु लव द गेम, दे हैव गिवन सेल्फलेस टाइम एंड रिस्पेक्ट टू दिस। बट इन लोग का क्या है, वो बेचारा आज सचिव बना हुआ है, बहुत सही ढंग से करता है। प्रोफेसर रत्नाकर शेट्टी है, ही इज अ वेरी नाइस ऑनेस्ट मैन। ऐसे चार पांच और लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं बीसीसीआई में, लेकिन वो लोग नहीं आ सकते। मेरा सवाल आपने जवाब नहीं दिया उसका, नैतिक आधार पे क्या आपको लगता है कि राजीव शुक्ला को, चूंकि वो आईपीएल के कमिश्नर थे, उनके रहते एक तरीके से लंका में आग लग गई और वो देख नहीं रहे थे, मतलब एंटी करप्शन यूनिट सो रहा था, इस सब के तहत चूंकि आईपीएल चलाने की जिम्मेदारी उन्हीं, आपको नहीं लगता कि उनका भी नैतिक आधार पर इस्तीफा बनता है? उनका नैतिक आधार पर इस्तीफा बाद में बनता है, उससे पहले बनता है डिसिप्लिनरी कमेटी का, उससे पहले बनता है लीगल सेल का कि आपने ऐसे कानून ला करके प्रोविजन अपने इसमें क्यों नहीं डाले। आज जो आप जा रहे हैं कानून बनाने के लिए, आपने अपने में प्रावधान क्यों नहीं रखा? अरे घर से शुरू करो ना, तभी तो बाहर किसी को जाकर के कहोगे। क्या हुआ उस रिपोर्ट का जो चार साल से रिपोर्ट पड़ी हुई है उसके ऊपर? पहले उन लोगों के इस्तीफे होने चाहिए। और अगर मैं नाम लूंगा तो फिर आप कहेंगे कि आपकी लड़ाई है। और कहते हैं कि अरुण जेटली का पहले और राजीव शुक्ला का उसके बाद इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि आईपीएल में जो इस वक्त गंदगी है उसको रोक पाने में नाकाम रहे हैं, इस वजह से नैतिक आधार पर जिम्मेदारी लेते हुए उन्हें हटना चाहिए। अगर सही वक्त पे दवा दे दी जाती तो मरीज बच जाता, अगर उसको रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी कर दी जाती तो शायद ट्यूमर कैंसर में नहीं बदलता, लेकिन आज ये कैंसर में बदल गया है। कैंसर में बदल गया है तो डॉक्टर उसका जिम्मेवार है, तो डॉक्टर के ऊपर जुर्माना लगना ही चाहिए। और जो लोगों ने इसके ऊपर कड़ाई से कार्रवाई नहीं की, जो कानून नहीं बनाए, डिसिप्लिन क्रिकेट में देखिए, ये डिसिप्लिन ऐसा नहीं है कि आप सस्पेंड करके छोड़ दे सरकारी महकमा या जी पेंडिंग इंक्वायरी। क्रिकेट के अंदर किसी ने गड़बड़ी की तो 24 घंटे के अंदर अनुशासनहीनता का कार्रवाई करनी पड़ती है उनके ऊपर। ये क्रिकेट के अंदर आप इंतजार नहीं कर सकते 10 दिन। ये जैसे असद राव के ऊपर ये बैठे रहे, पिछले साल से इनको मालूम है, और जब सारे गेम हो गए और 2 गेम बच गए तो असद राव के ऊपर इन्होंने कहा कि मैच नहीं खेलने के लिए दो, तो ये आईसीसी ने भी दोगली बात की है, और ये बात बीसीसीआई को भी मालूम थी। तो अगर आप ऐसे पड़े रहेंगे तो आपको क्या मालूम कि इस बार कितना मार गया होगा असद राव, कितनी गड़बड़ियां कर गया होगा बैठ करके। नो बॉल नहीं दिया उसने, आपने देखा होगा श्रीशांत का इतना बड़ा नो बॉल था, ने बुकी से कहा भी मैंने तो बड़ी कोशिश की नो बॉल फेंकने की अंपायर ने पकड़ा। हाँ, और उसके बाद बताइए वो 13 रन दिए हुए था, श्रीशांत को एक तरफ से पैसा मिला, असद राव को तो फिर जब आपको आपको मालूम था तो क्यों नहीं रोका आपने उसको? तो यह तो बड़ा आसान होता है कि खिलाड़ियों को तो सस्पेंड कर दो और खिलाड़ियों को बैन कर दो, लेकिन ऑफिशियल्स जो गड़बड़ करते हैं उसके बाद क्या होगा? बहुत अहम सवाल आपने उठाए, क्योंकि जिम्मेदारी न केवल श्रीनिवासन की है, बल्कि जिम्मेदारी उन तमाम लोगों की है जो कि आईपीएल को और बीसीसीआई को चला रहे थे, और ये एक मौका है क्रिकेट की दुनिया को हमेशा अकेले साफ करने का। मैं सिर्फ एक कविता सुना दूं इससे पहले कि फिर मेरे पर ब्लेम हो कि मैंने अरुण जेटली जी के खिलाफ में कहा है। मेरे लिए वो आदरणीय है, मैं उनका आदर करता हूं। मेरे पिताजी की कविता थे, उसमें उन्होंने कहा था, बन गए अपराध लेकिन निष्कपट व्यवहार मेरे, घर छुपाना जानता तो जग मुझे साधु समझता। शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा, घर छुपाना जानता तो जग मुझे साधु समझता। क्या बात है जेटली जी, अगर आप सुन रहे हैं तो ये कविता आपके लिए थी। कीर्ति आजाद जी, आपने हमें बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी कीर्ति आजाद से आज की सीधी बात। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं, हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। साथ के साथ इस कार्यक्रम को आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं जिसका पता है www.aajtak.in/सीधी बात।